हेलो गाइस, आप क्लास फोर्थ। टुडे जो टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया। गाइस, आपका चैप्टर चल रहा है मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट, जिसमें आज आपकी टॉपिक है टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, यहां पे जो मल्टीमीडिया है बट टू टाइप्स, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एंड सेकेंड इज नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। गाइज, मल्टीमीडिया दो टाइप्स की होती है, एक इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होती है और दूसरी क्या होती है, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। तो पहला गाइज है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या होता है? इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इज द मल्टीमीडिया विच इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ द यूजर एंड द डिवाइस यूज्ड। मतलब कि इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है गाइज, कि जिस मीडिया में यूजर द्वारा उसमें कंट्रोलिंग किया जाता है उसे कहते हैं इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। आगे इसमें इट इज अ कंप्यूटर डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट अलाउ द यूजर टू कंबाइन कंट्रोल एंड अल्टर वेरियस मीडिया फ्रॉम लाइक टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। मैंने गाइड बताया था आपको कि इंटरेक्टिव में क्या होता है, कि जहाँ जिस मल्टीमीडिया में या जिस मीडिया में यूजर द्वारा कोई भी इंटरफेयर किया जाता है वह आपका इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होती है। जैसे कि वह मीडिया जिसमें यूजर अपना कोई टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एनिमेशन अप्लाई कर सकता है या उस पर कंट्रोलिंग पावर रख सकता है, उस टाइप की मीडिया को कहा जाता है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ठीक है, सेकेंड गाइज आपका है नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, मतलब जिसमें यूजर का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। जैसे यहां पे गाइज है, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेक्शन विद द यूजर। मतलब वह मल्टीमीडिया जहां पे यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है या उस पर यूजर का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है वह कहलाता है आपका नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ठीक है, दीज मल्टीमीडिया फ्रॉम डू नॉट एक्सेप्ट एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब वहां पे यूजर द्वारा कोई भी इनपुट नहीं दिया जाता, उस पर कोई भी यूजर की कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, वह आपका कहलाता है नॉन मल्टीमीडिया, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ठीक है, नेक्स्ट गाइज आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टीमीडिया सिस्टम। मतलब एक मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। गाइज यहाँ पे है कंप्यूटर प्रोवाइड्स एन इजी वे टू प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द मीडिया एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। इट मीन्स कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी मीडिया के थ्रू, तो हमें वहाँ पे कैसे की आवश्यकता पड़ती है, टेक्स्ट की भी, ऑडियो की, वीडियो की, एनिमेशन की और ग्राफिक्स की। अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ प्लेइंग साउंड आर म्यूजिक एंड शोइंग ग्राफिक्स वीडियोज एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज यूज फॉर प्लेइंग मल्टीमीडिया प्रोग्राम। मतलब गाइज, कि किसी भी मल्टीमीडिया प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर अपने मॉनिटर स्क्रीन पे किसी ग्राफिक्स को, इमेज को, पिक्चर को, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सबको वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है या शो करता है। अ मल्टीमीडिया सिस्टम इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग हार्डवेयर। इट मीन्स एक मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए, ठीक है, हमें क्या क्या हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है जो नीचे दिया गया है। तो गाइज, किस किस आवश्यकता पड़ती है, सीडी रोम ड्राइव फॉर प्लेइंग सीडी। ठीक है, मतलब सीडी मतलब क्या, कंपैक्ट डिस्क रोम की भी आवश्यकता पड़ती है, जो सीडी जिसे हम कहते हैं सीडी राइटर या सीडी ड्राइवर की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, जो आपको सीडी को क्या करता है, प्ले करने का काम करता है। दूसरा होता है साउंड कार्ड एंड स्पीकर फॉर
प्रोड्यूसिंग साउंड, मतलब साउंड कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती है और साउंड का भी मतलब स्पीकर का भी आवश्यकता पड़ती है जो आपके साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करता है, मतलब आपके साउंड को आउटपुट देता है। ठीक है, थर्ड है आपका मॉनिटर डिस्प्ले द वीडियो, मतलब आपको मॉनिटर की भी आवश्यकता पड़ती है किसके लिए, वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए। अगला है माइक्रोफोन एंड हेडफोन फॉर रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग टू साउंड, मतलब हमें माइक्रोफोन की या और हेडफोन की आवश्यकता पड़ती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या आवश्यकता चाहिए हार्डवेयर में, सीडी रोम का, स्पीकर का, मॉनिटर का, माइक्रोफोन या हेडफोन की आवश्यकता होती है। जब तक ये सब आपके हार्डवेयर नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी मल्टीमीडिया को प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके?